क्या बॉलीवुड छोड़कर अभिषेक बच्चन निकल चुके हैं सियासत की राह पर? क्या लोकसभा चुनाव 2024 में दिखेगा अभिषेक बच्चन का नाम? वेल, फिलहाल बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन के पास कई सारी फिल्में हैं, जैसे ब्रीद, घूमर, धूम 4, हाउसफुल 5। लेकिन इतनी सारी फिल्में होने के बाद भी अभिषेक अपने करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना नहीं भूल रहे। सोशल मीडिया पर फिलहाल छाया हुआ है कि अभिषेक बच्चन सियासत में एंट्री लेने वाले हैं। क्या सच में अपने पेरेंट्स के फुटस्टेप्स को फॉलो करने जा रहे हैं अभिषेक बच्चन? चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस तरह के रूमर सामने क्यों आ रहे हैं। फिर ये तो हम सभी जानते हैं कि फिलहाल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। वहीं किस सीट पर कौन सा कैंडिडेट फिट बैठ रहा है, इसको लेकर भी सारे जातीय समीकरण को देखते हुए काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा है। अब इस बीच एक इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है, और खबर ये है कि इस चुनाव में अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन भी राजनीति में कदम रख सकते हैं। वेल, अभिषेक की मम्मी और एक्टर जया बच्चन भी सपा से राज्यसभा सांसद हैं और अपनी लाइफ में बिग बी भी चुनाव लड़ चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जूनियर बच्चन अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं और इलाहाबाद से इस बार के लोकसभा चुनाव में खड़े होने वाले हैं। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही अभिषेक बच्चन ने इसको लेकर कोई स्टेटमेंट दिया। खैर, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना काफी डिफिकल्ट है। लेकिन फिलहाल अभिषेक बच्चन का अखिलेश यादव के साथ एक फोटो काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव हाल ही में मुंबई के दौरे पर भी गए थे, शायद ये फोटो वहीं का है। आपको क्या लगता है कि क्या सच में अभिषेक बच्चन इस बार के लोकसभा चुनाव में उतरने वाले हैं? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ सारी अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।